नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित 60 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पटवारी की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है ये, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन से हैं? मॉनिटर और प्रिंटर, ये दोनों आउटपुट हैं। विंडोज कीबोर्ड और माउस, ये इनपुट हैं। CD ये भी इनपुट है, तो आउटपुट पूछिए, तो आउटपुट आपका कौन सा हो जाएगा? मॉनिटर और प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या कहलाती है? ड्रैपिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कहलाती है राइट क्लिकिंग, यानी राइट क्लिक करते हैं माउस से आप, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी में एक्सेस करना। तो आपका आंसर हो जाएगा राइट क्लिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन हमारा, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स क्या है? स्कैनर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है? डॉट मैट्रिक्स दोस्तों प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स नाम से प्रिंटर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? तो टैब कुंजी का प्रयोग कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए नहीं होता है, पैराग्राफ इंटेंड करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, केवल ए और बी। तो मेरे ख्याल से पैराग्राफ इंटेंड करने के लिए होता है। क्या होता है? टैब कुंजी का प्रयोग पैराग्राफ इंटेंड करने के लिए होता है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? होम कुंजी, ए कुंजी, पेज अप, इंटर। तो टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए हम होम कुंजी दबाते हैं, प्रारंभ में जाने के लिए क्या दबाते हैं? होम कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये डॉट डॉट और डॉट डॉट सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। इनमें इनपुट डिवाइस कौन कौन से? माइक्रोफोन प्रिंटर आउटपुट है, स्कैनर मॉनिटर आउटपुट है, डिजिटल कैमरा स्क्रीन आउटपुट है, कीबोर्ड और माउस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस हैं। कौन सा? कीबोर्ड और माउस। तो आपका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड और माउस। समझ गए? ये दो इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? सरल सा क्वेश्चन है, मॉनिटर का प्रयोग करते हैं हम। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं मॉनिटर पर ही तो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन एक प्रकार का माउस है? निम्न में से कौन एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल, जनरल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक। तो ऑप्टिकल और मैकेनिकल, इस ये माउस होते हैं, ऑप्टिकल और मैकेनिकल, ऑप्टिकल और मैकेनिकल ये माउस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन देख लेना, वैसे तो 12 होती है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसमें प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? किसमें प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? कागज प्रिंटर में लगेगा, नॉन इम्पैक्ट नहीं, इम्पैक्ट प्रिंटर में लगेगा। किसमें? इम्पैक्ट प्रिंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? लेजर द्वारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा, लाइन प्रिंटर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? माउस, इसमें जो माउस दिया है वो इनपुट डिवाइस है। सॉरी माउस इनपुट क्या पूछा था? इनपुट डिवाइस नहीं है, नहीं है पूछा था, तो मॉनिटर नहीं है। सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में
कीबोर्ड क्या काम करता है, कंप्यूटर में जो कीबोर्ड हो सबको ही पता है क्या काम करता है। सरल सा क्वेश्चन है, इनपुट करना है। कीबोर्ड का काम क्या है, किसी भी डाटा को इनपुट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है, अब ये भी पढ़ा है, इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कंप्यूटर की कीबोर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है दोस्तों। कंप्यूटर के कीबोर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है, 13। ओहो 13, हाँ सॉरी, फंक्शन की 12 होती है, कितनी होती है, फंक्शन की 12 होती है, अब ये भी पढ़ा था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होना चाहिए मेरे ख्याल से आंसर। ओह प्लॉटर है, सॉरी क्यों गड़बड़ हो रहे हैं। तो निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है, आपका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं, ऑपरेटर द्वारा किए गए कार्य, हाँ ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको बोलते हैं वीडियो डिस्प्ले यूनिट, क्या बोलते हैं, वीडियो डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्न में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है, आउटपुट का माध्यम है, सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आउटपुट इसमें से कौन सा है, प्रिंटर जो है आउटपुट देता है हमें, तो आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, डगलस सी इंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार किया था, कब किया था, 1977 में किया था, माउस का आविष्कार हुआ था वो 1977 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अंकीय बोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा स्थान है, अंकीय, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, माउस, स्कैनर होना चाहिए, अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर इनपुट करने का कौन सा साधन है, स्कैनर, करेक्ट आंसर है स्कैनर। तो अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर इनपुट करने का कौन सा साधन है, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं प्रिंटर, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई के लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ASCII मैग्नेटिक टेप, OCR स्कैनर, बार कोड। तो कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई के लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से मैग्नेटिक टेप, रॉन्ग आंसर, बार कोड बोलते हैं, सॉरी, कंप्यूटर पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई के लाने वाले कोड को क्या बोलते हैं, बार कोड, क्या बोलते हैं, बार कोड, ध्यान रखना दोस्तों, हमारा तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लाइन प्रिंटर एक मिनट में कितने चिन्ह छापता है, लाइन प्रिंटर एक मिनट में 200 से 2000 शायद, एब्सोल्युटली राइट आंसर, लाइन प्रिंटर एक मिनट में कितने चिन्ह छापता है, 200 से 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स। तो सबसे ज्यादा काम में आने वाले प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स, कौन से होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, सबसे ज्यादा काम में आने वाले प्रिंटर कौन से होते हैं, डॉट मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन में मिलता है, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन में मिलता है, टाइप मशीन में, फ्रैकिंग मशीन में, फोटोकॉपियर में, साइक्लोटोन में। तो स्कैनर का फोटोकॉपियर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं, कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं, तो चार एरो होते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, चार होते हैं एरो, तो कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं, चार एरो बटन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। वर्तमान में चल रहे बोर्ड की संख्या रूपों बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? दो बार। कितनी बार दोहराई गई है? दो बार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी प्लेट के आकार की वस्तु को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर, सरल सा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से पढ़ लेना। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या बोलते हैं? तो माउस पैड होता है। क्या होता है? माउस पैड, जिस पर माउस रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर, माउस इनपुट है। तो पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा आपका, यानी आउटपुट डिवाइस प्रिंटर और मॉनिटर, ये दोनों आउटपुट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डेटा किस रूप में हो सकता है? डेटा किस रूप में हो सकता है? तो डेटा अलिखित होता है, लिखित होता है, दोनों होता है। तो आपका आंसर ए और बी हो जाएगा, डेटा लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। आपकी कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके माध्यम के द्वारा होता है? कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट सीपीयू। तो मानव का संपर्क इनपुट देगा और आउटपुट लेगा, तो यही होगा आंसर। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क इनपुट और आउटपुट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निवेश के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? निवेश के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? ध्वनि माध्यम, प्रकाश माध्यम, यांत्रिक माध्यम। निवेश के प्रकार में कौन शामिल है? मेरे ख्याल से प्रकाश माध्यम इसमें शामिल नहीं है। हाँ, तो प्रकाश माध्यम नहीं होता कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन, ट्रैक बॉल। जो ट्रैक बॉल होता है, माउस का काम कर, माउस में होता है, उसका काम करता है। तो क्या आंसर? ट्रैक बॉल। माउस जैसा कार्य करता है कौन? ट्रैक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है, माउस भी इनपुट है, लाइट पेन, वीडियो, इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, वीडियो। ये तो गड़बड़ कर दिया, वीडियो इनपुट डिवाइस नहीं है। भाई क्यों गलत पढ़ रहे हैं बार बार हम? नहीं है पूछा है, वीडियो, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ये आउटपुट है, वीडीयू, समझ लिए। नेक्स्ट, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है? काहे के लिए? ओके के लिए। तो बायां बटन जो होता है वो ओके के लिए प्रयोग में लाया जाता है। माउस चलाया होगा तो पता होगा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? सामान्य सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो लेजर प्रिंटर जो होता है वो सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर होता है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लीड क्रिस्टल डिवाइस, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कंप्यूटर सिस्टम किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? कीबोर्ड के द्वारा, स्कैनर के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा, प्लॉटर के द्वारा। तो मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए स्कैनर के द्वारा, नो, कीबोर्ड के द्वारा, सॉरी। कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? हाँ, यही होना चाहिए, कीबोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, डाटा भेजना। तो आंसर होना चाहिए ए। आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभव बनाते हैं क्या? डाटा देखना या प्रिंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंटर या प्रिंट, यही होगा आंसर, प्रिंटर पर प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर रहा ये। निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये इनपुट डिवाइस हैं तीनों।
यही आंसर होगा आपका। ये माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट निकालना है आपको सारा। तो सुनिएगा, स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर अलग अलग हो गए, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर अलग अलग हो गए, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर अलग अलग हो गए, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों समूह जो है वो आउटपुट के हैं। कौन सा? प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश क्या माना जाता है? डाला गया, समझ रहे हो दोस्तों, क्या होगा? इनपुट होगा, जो अपन डालते हैं वो क्या होता है? इनपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, मॉनिटर, मॉनिटर ही तो दिखाता है, मैं जो काम होता है उसमें मॉनिटर में देखते हैं, तो कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप किसको दबाएंगे? लॉक को, कैप्स लॉक को, एरो लॉक को, शिफ्ट को? तो नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए हम नम लॉक को दबाएंगे। किसको दबाएंगे? नम लॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, स्कैनर स्कैन करता है किसको? स्कैनर स्कैन करता है क्या, स्कैन करता है फोटो, टेक्स्ट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों होंगे, फोटो भी स्कैन कर लेता है और टेक्स्ट भी स्कैनर स्कैन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, किससे गेम खेलना आसान हो जाता है? माउस से, जॉयस्टिक से, कीबोर्ड से, पेन से? तो भाई मैंने तो माउस से खेला है, देखते हैं क्या है। ओहो हो, इन्हें जॉयस्टिक बोला है, हमने तो माउस से खेला है, तो इससे ज़्यादा सरल होगा, मुझे पता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट है। हार्ड कॉपी क्या होता है? प्रिंटेड आउटपुट जो आपके हाथ में होता है उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉफ्ट कॉपी एक इन आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर एक, CTRL, शिफ्ट और अल्ट की कहा जाता है, कौन सी की कहा जाता है इनको? मॉडिफायर, फंक्शनल, अल्फान्यूमेरिकल, एडजस्टमेंट? तो इसको बोलेंगे हम मॉडिफायर। CTRL, शिफ्ट और अल्ट को क्या बोलेंगे? मॉडिफायर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या बोलते हैं? आप प्राइसेस, OCR, स्कैनर, बारकोड? हाँ, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों को, जो सीधी सीधी लाइन है, लॉन्जिट्यूडनल लाइनें होती हैं, उनको बोलते हैं अपन बारकोड, जो स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, MICR में सी का फुल फॉर्म क्या है? MICR में सी का फुल फॉर्म कोड, कलर, कंप्यूटर, करेक्टर? MICR में सी का पूर्ण रूप होना चाहिए करेक्टर। क्या होना चाहिए? करेक्टर। MICR में सी का पूर्ण रूप क्या है? करेक्टर। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो क्या होगा? करेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर, प्रिंटर क्या है? आउटपुट देता है हमें, प्रिंटर क्या है? आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ? तो मेरे ख्याल से फंक्शन, स्पेस बार, एरोलॉक, एरोलॉक होना चाहिए, देखते हैं। नो, कंट्रोल। क्या होगा? कंट्रोल। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? कंट्रोल। सॉरी दोस्तों, आप सही कर लेना, मेरा तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग के लिए किया जाता है? वेब कैम्स। क्या बोलते हैं इनको? वेब कैम, वेब कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लाई जाती है? तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक,
और ट्रैक बॉल। ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम? माउस का। माउस का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी इनपुट है। क्या निकालना है आपको? इनपुट डिवाइस निकालना है। टच स्क्रीन आंसर आपका होना चाहिए। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन जो हम टच कर रहे हैं मोबाइल को, वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। माउस सामान्यतः वाण या एरो के आकार में दिखाई देता है, वो क्या होता है? दर्शक, मार्कर, मार्कर, मीटर या पॉइंटर। पॉइंटर बोलते हैं उसको दोस्तों। क्या बोलते हैं? सामान्यतः बाण या एरो के रूप में दिखाई देता है, उसको पॉइंटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पीसी हेतु सबसे साधारण स्टोरेज उपकरण कौन सा है? पीसी हेतु सबसे साधारण उपकरण कौन सा है? फ्लॉपी, यूएसबी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ही होगा, इसी में सबसे ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट उपकरण हैं? कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, सभी हैं, सभी इनपुट उपकरण हैं। कीबोर्ड भी है, माइक्रोफोन भी है, स्कैनर ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सभी। यानी कंप्यूटर के लिए उनमें से कौन से डिजिटल उपकरण है? कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए आए हैं चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे ही चले जाते हो। थैंक यू दोस्तों, ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, आप देखते रहिए।